हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं बेसन और रवा का बनाने जा रही हूँ बर्फी, जो काफ़ी पसंद आता है। मैं चीनी को बूरा कर लिया है मिक्सी जार में डाल करके, और रवा को भी बूरा करके। एक कटोरी घी मैंने इसमें ली थी, उसे डाल करके उसमें रवा डाल करके इस तरह से सबसे पहले आप रवा को भून लें, उसके बाद में आप इसमें बेसन ऐड कर लें। इस तरह से हल्का मार्केट का दरदरा होता है, उसे हल्का सा ही आप करें। सबसे पहले रवा हल्का सा भून लें, भुन गया हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें आप बेसन जो है इसे भी आप अच्छे से साफ कर ले, देख ले इसमें गुठलियाँ ना रहे। इस तरह से बराबर से आप चलाते हुए इसे भूनें। इस तरह से घी अगर कम लगे तो और भी आप घी ले लें। अभी चलिए इसको मैं भून लेती हूँ अच्छे से। आप इसको बराबर से चलाते रहें, इसी तरह से चलाएं और घी में फ्लेम रखें, जिससे कि अच्छे से रवा और बेसन जो है दोनों अच्छे से भून जाए। हो सकता करे तो आप एक दो चम्मच और घी की, लगभग मैं यहाँ पे 100 ग्राम के लगभग, जिससे 100 ग्राम के लगभग मैं इसमें घी ऐड करी हूँ, लग जाएगा। क्योंकि घी के कारण ही अच्छे से भूनता है बेसन की, मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है इसकी। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसी तरह से इसे आप भूनते रहें, बराबर से चलाते रहें, जिससे गुठलियाँ ना पड़े। इस तरह से दब करके भूने, आप देख सकते हैं हल्का भून चुका है। इसमें मैं इलायची क्रश करके डाल दे रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर भी आता है। अगर आपको पसंद हो तो डालें, या आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। इस तरह से इसे बराबर से चलाते रहें। घी कम लगे तो थोड़ा सा आप एक चम्मच के लगभग इसमें इस तरह से ऐड कर लें, और इसको फिर से इस तरह से चलाते रहें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अब भून चुका है, देखिए इस तरह गीला हो रहा है, ये छूट रहा है, इसका मतलब है कि भून चुका है। इसी तरह से इस प्रोसेस में आप इसमें जो चीनी का बूरा है उसे भी आप ऐड कर लें। इस तरह से ऐड कर लें। अगर आप अधिक मीठा खाते हो तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना ही डाला। एकदम फ्लेम को धीमा रखें, ध्यान रखें। लगभग भूनने में इसे 10 से 20 मिनट के लगभग आपको लग जाएगा। इसको अच्छे से भूनना जरूरी है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। इस तरह से इसे मिलाते रहें, मिला करके इसे अच्छे से मिलाते, नहीं तो कहीं मीठा कहीं कम मीठा हो जाएगा, इसलिए मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है भूनने के लिए। अब इसे मैं यहाँ मैंने ग्रीस कर लिया है के डब्बे को, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं, कोई कंटेनर ले सकते हैं मिठाई वाली। इसमें इसे गैस को बंद कर दे, इस तरह से इसे नीचे उतार ले और इसमें डाल करके बैठाते हुए अच्छे से बैठा ले। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल लिए हैं। इसे इस तरह से आप भी डाल करके इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दे। उसके बाद मैं इसमें कट लगाऊँगी। देखा आप लोगों ने कितना टेस्टी और यम्मी ये बनेगा। अभी ये 10 मिनट के लगभग लगेंगे। इसे बराबर से आप इसी तरह से बैठा लें। उसके बाद में ड्राई फ्रूट से आप चाहे तो काजू पिस्ता किशमिश से भी डेकोरेट करेंगे। तो चलिए मैं इसे अभी रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद में मैं इसे अच्छे से ठंडा होने देती हूँ। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का जमना शुरू हो गया है। इसी समय आप चाहे तो इस पर किशमिश ऐड कर सकते हैं। इस तरह से डाल करके कट लगा ले। इस तरह से आप बीचों बीच कट लगा लें, तो बाद में फिर कट करने में दिक्कत होगी। इस तरह से हल्का हल्का कट लगा। अभी ये थोड़ा सा और जमेगा। लगभग इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट का लगभग लग सकता है। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो जल्दी जम जाएगा। इस तरह से तो चलिए मैं किशमिश से इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। इस तरह से यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी मिठाई। मैंने इसे दोनों डिजाइन में बना दिया है। कुछ मैंने बर्फी के आकार का बना दिया है, कुछ पेड़े की तरह बना दिया है। आप चाहें तो जो आकार चाहें वो रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी मिठाई होती है। इस दिवाली आप लोग ज़रूर बनाएं इसे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।